तो दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आपकी स्पीड अगर यहाँ पे 60 से लेकर 80 तक की हो, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ यहाँ पे स्पीडिंग को लेकर जो डिस्कस करने वाला हूँ। भाई गाड़ी को कभी भी ओवर ड्राइव पहली बात तो मत करिएगा, जितना लिमिट में हो, जितना आप कंट्रोल कर पाए अपने अकॉर्डिंग उतनी गाड़ी को आप ड्राइव करिए। सेफ जोन तो यही होता है कि भाई आप 60 से 70 के बीच में चलें तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर ओवर स्पीड करेंगे ना तो भाई हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। ओवर स्पीड में क्या क्या समस्याएं हो सकती है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ओवर स्पीड में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। गाड़ी अगर आपकी बहुत तेज चल रही है, आप इंस्टेंट अगर ब्रेक लेते हैं तो भाई गाड़ी जो है, माना कि एबीएस की वीडियो आ रहा है, ड्रिफ्ट का चांस रहता है। लेकिन अगर गाड़ी मतलब रोड पे अगर मिट्टियाँ पड़ी हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे जो है मिट्टी पड़ी है, पानी पड़ा हुआ है, तो आपकी गाड़ी ड्रिफ्ट कर सकती है, ठीक है। तो गाड़ी को स्लो चलाएं, ओवर स्पीड बिल्कुल ना करें। भले मिट्टी हो या फिर ना हो, नॉर्मल रोड भी हो, अगर आप गाड़ी को एकदम से अचानक से ब्रेक लेंगे ना भाई, गाड़ी के जितने भी टायर्स हैं वो जो है कह सकते हैं ना कि भाई रुक तो जाएंगे, लेकिन गाड़ी हो सकती है कि थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाए। ओवर स्पीड तो बिल्कुल मत करिएगा कभी गाड़ी की। गाड़ी को अपने लिमिट में चला के चलाइए, जैसे मतलब 60-70, ठीक है, जितने भी आप कंट्रोल कर पाएं वो, जितनी आपकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग, और थोड़ा लेट जहां जाना है लेट ही सही पहुंचे। लेकिन भाई गाड़ी को ओवर स्पीड करना बहुत दिक्कत की बात हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे गाड़ी को कभी भी ओवर स्पीड में ना चलाने की कोशिश करें, लिमिट में चले, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे थोड़ा लेट ही पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीजें रहती है। और ओवर स्पीडिंग से और भी कई सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कभी कभी इंस्टेंट कोई मतलब गाड़ी चल रही है आगे, ठीक है, उसने शायद इंडिकेटर दिया और ओवर स्पीडिंग के चक्कर में आपको इंडिकेटर नहीं विजिबल हुआ, तो ये भी दिक्कतें हो सकती है, कभी कभी हो जाता है ऐसा अचानक से, ठीक है। तो इन चीजों को जो है जरूर से फोकस करना है। दो गाड़ी के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन रखिए, ठीक है। डिस्टेंस का मेंटेन का मतलब है कि अगर गाड़ी आगे चल रही है आपके, तो इतना दूर रहिए कि अगर आप ब्रेक भी लें तो आप उस तक गाड़ी के पहुंचने से पहले ही रुक जाए, ठीक है। एकदम चपका के गाड़ी को मत ले चलिए। बहुत लोगों की ये मतलब देखा है हमने कि गाड़ी को बिल्कुल एकदम सोचते हैं अपनी गाड़ी के आगे ही एक गाड़ी रहती है, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर कभी उस वाले बंदे ने अगर ब्रेक ले लिया ना, तो यहाँ पे ब्रेक लेने का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अचानक ब्रेक लेने पर गाड़ी ड्रिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है जरूर से ड्राइवर को फॉलो करना चाहिए, और ड्राइवर इन सभी चीज़ों को फॉलो करता है तो ड्राइवर अच्छे तरीके से जो है गाड़ी को ड्राइव कर सकता है, ठीक है। इन चीज़ों को जो है जरूर से उनको फॉलो करना चाहिए, इन चीज़ों को जरूर से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जो कि एक ड्राइवर को जरूर से समझना जरूरी होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर टिप्स बताए, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं ड्राइविंग रिलेटेड थी, इन सभी से ओवर स्पीडिंग से रिलेटेड थी, ठीक है। तो गाड़ी को एकदम मेंटेन स्पीड में ले चलें, तो होपली इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।